से। चार साल पहले बनी फिल्म भट्टी ऑन छुट्टी इज फाइनली सेट टू रिलीज और इसी फिल्म के म्यूजिक लॉन्च पर फिल्म के लीड एक्टर अनुपम खेर ने अपनी खुशी कुछ यूं जाहिर की। ऐसी फिल्मों का रिलीज होना बहुत जरूरी है लेकिन रिलीज होना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम बहुत खुश हैं कि वी हैव गॉट अ डिस्ट्रीब्यूटर एंड टुडे वी हैव द म्यूजिक लॉन्च ऑफ दिस फिल्म। और अनुपम ने यहाँ बातों बातों में ये भी बता दिया दैट हाउ डिफिकल्ट इट इज टू कम्पीट विद द खान्स एंड द कुमार्स इन द इंडस्ट्री। नहीं नहीं, मुझ में और खान्स में और कुमार्स में बड़ा फर्क है। मेरी सोलो लीड आती है तो भीख मांग के बेचनी पड़ती है, उनके तो अनाउंस होने के बाद ही हो जाता है। कोई बहुत बड़ा स्टार है तो उसको उसके अगेंस्ट कोई होल्ड थोड़ा किया जा सकता है। हाय अनुपम जी, अब इंडस्ट्री में कंपटीशन तो फेस करना ही पड़ेगा। वैसे अनुपम ने यहाँ ये भी बताया था भट्टी ऑन छुट्टी में होगा बिग बी अमिताभ बच्चन का कैमियो भी। आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू मिस्टर अमिताभ बच्चन फॉर डूइंग अ गेस्ट अपीयरेंस और स्पेशल अपीयरेंस और द मोस्ट इम्पोर्टेंट अपीयरेंस, बिकॉज फिल्म में जो बीबी भट्टी है वो अमिताभ बच्चन साहब के भक्त है। All in all, this modest film is finally set for the theaters. All the best to the team of Bhatti on Chutti. Shreya Ghoshal was spotted recording a song for Sali Khushi. Take a look. And in this recording session, mein Shreya seemed to be in a fun-filled mood. And Shreya here also shared something about the song. Marathi flavor ka gana hai aur sab especially Marathi manus ko to bahut hi pasand aayega and I think this is going to totally make the entire nation go mad. So here was Shreya at a fun filled recording session.